हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग सौम्या, अंश, धीरज, शशांक, अफरीन, रितुमोनी, वंटू, अनीता मीना, राजबाला मीना, गुड इवनिंग एवरीवन। संपूर्णा, जयंती, सभी को गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टोन एज, और स्टोन एज में कल हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। आज हम 8 टू 10 क्वेश्चन आज करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही होंगे। किससे होंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड से। आई होप कि कल जो मैंने पढ़ाया था आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मेरे से पूछ लीजिए आप सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप रखे हैं गाइस, और आज कुछ क्वेश्चन मैंने हड़प्पा से भी रखे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी रखे हैं। कल उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैंने हड़प्पा से भी रखे हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रखे हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, यहाँ पे आपको साइट बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, साइट्स बेस्ड। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि साइट बेस्ड जितने भी लोकेशंस हैं इन सभी की वो अच्छे से आप याद कीजिए, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं गाइस। सो एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दें आप सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज हमारा होने वाला है। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग, और फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। उसके बाद में हम गाइस स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। गाइस, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, देन आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं गाइस। इससे फायदा यह होगा कि जितने भी फ्री क्लासेस हैं आपकी, जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने लग जाएंगे गाइस। आज हमारी जो फ्री क्लास है वो है 10 बजे, और 10 बजे हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम इसमें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और बेसिकली जो नीति आयोग की जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम है ये आपके लिए जो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे थ्रू द एमसीक्यूज। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज आपका होने वाला है। उसके बाद में गाइस, अगर आप मेरा प्लस कोड ज्वाइन करना चाहते हैं देन यूज माई रेफर कोड SHU10, क्योंकि यहां से मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट। एंड गाइस, इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू की आपकी तैयारी हो जाएगी। पेपर वन में मैं हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट आपको करवाऊंगा। एनवायरनमेंट का ऑलरेडी अपने कोर्स चल रहा है, 9 बजे से अपनी क्लास होती है प्लस पे। पेपर टू की जब हम बात करते हैं तो गाइस, पेपर टू मेरा हिस्ट्री है, आप सभी को पता है, और हिस्ट्री में हम दोस्तों मिडाइवल इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मिडाइवल इंडिया। तो काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए कोर्स। अगर आपका टारगेट है JRF 2020 दिसंबर वाला एग्जाम टारगेट किया है तो गाइस आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा ये कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके प्लस सब्सक्रिप्शन से लेके डाउट हो, जो भी आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी हो, तो यहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं गाइस। आप रेडी हैं सभी लोग? एक बार मेरे को सभी लोग थम्स अप करके बता दें कि रेडी हैं फटाफट से, और एक फटाफट से आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एवरीवन, वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से, जल्दी से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। और कैन वी डाउनलोड वीडियोज ऑफ प्लस आफ्टर टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन? आई हैव नेटवर्क इश्यू। बिल्कुल, आपको नेटवर्क अगर इश्यू है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग्स आपके डैशबोर्ड पे हमेशा रहेंगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स के थ्रू देख सकते हैं अगर नेटवर्क इश्यू है, बिल्कुल कर सकते हैं ये, ठीक है? आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आप क्या करना है, कैसे प्लस कोर्स लेना है, क्या आपको वो फायदा करेगा, है ना? तो सारी डिटेल आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, Who among the following worship both Mother Earth and Sun God? बताइए, निम्नलिखित में से किसने Mother Earth और सूर्य देव दोनों की पूजा की है? People of Harappa, People of Mohenjo-daro, People of Neolithic Age और People of Mesolithic Age? इसका आंसर दे सभी लोग, everyone। Who among the following worship with Mother Earth and सन गॉड? थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। पीपल ऑफ हरप्पा, पीपल ऑफ मोहनजोदारो, पीपल ऑफ नियोलिथिक एज या पीपल ऑफ मेसोलिथिक एज? बताओ, हड़प्पा के लोगों ने, मोहनजोदारो के लोगों ने, या नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल के लोगों ने?
या मेजोलिथिक एज, यानी बताओ इसका आंसर दो, मध्य, ठीक है बताओ जल्दी से, सभी लोग आंसर देंगे इसका। सो ऑलमोस्ट सभी लोगों के आंसर ठीक है, लेकिन गाइज आपके आंसर ठीक नहीं आए हैं अभी तक, कोई भी आंसर मुझे ठीक नहीं मिला है। इसका जो आंसर है गाइज वो है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नियोलिथिक पीपल दोस्तों मदर अर्थ और स्टोन सन गॉड की दोनों की पूजा करते थे। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ भी मदर गॉडेस की आपको मूर्ति मिली है ना, मूर्तियां मिली है ना, लेकिन यहाँ पे सन गॉड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मिला आपको। तो मदर गॉड और मदर अर्थ और सन गॉड के बारे में बात करते हैं, तो नियोलिथिक पीपल इसकी पूजा करते थे गाइस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब नियोलिथिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि 600 बीसी से 400 बीसी तक का एक आइडियल टाइम मानते हैं, इसको हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, नवपाषाण काल क्रांति भी इसको बोलते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था इसके बारे में। और इसके जो साइट्स देखे हम, मेन साइट्स जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कश्मीर वैली में, चिरांद इन बिहार, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको इसके साइट्स मिलते हैं दोस्तों। साउथ इंडिया की बात करें तो मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडाइकल इन कर्नाटका, पियमपली इन तमिलनाडु और उतनूर इन आंध्र प्रदेश। ये क्या है दोस्तों, इसकी मेन साइट्स है, साउथ इंडिया की मेन साइट्स है। तो इसको याद रखिएगा गाइस, क्योंकि काफी बार ही मेन साइट्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो दोस्तों एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू हो चुका था, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, नवपाषाण काल क्रांति, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है एक चीज। उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी यहाँ पे शुरू हो गया था, यानी पशु पालन भी यहाँ पे शुरू हो गया था, पोलिस स्टोन टूल्स बनने लगे थे, पोटरी बनने लगी थी, मड ब्रिक हाउसेस बनने लगे थे। मैंने बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। परमानेंट सेटलमेंट दोस्तों अपर जो आपकी मेजोलिथिक एज है वहीं से शुरू हो जाता है, इसका एक क्वेश्चन हमने कल किया भी था, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों कल हमारी किस में स्टार्ट हो जाती है, न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो जाती है, ये आपको याद रखना है सभी को गाइस। एक बार फटाफट से आपको क्लियर है तो थम्स अप कर दो और वीडियो को शेयर कर दे फटाफट से सभी लोग, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करें फटाफट से और शेयर कर दें। उसके बाद में गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है यूजीसी नेट पे, पीवाईक्यू है गाइस, इसका आंसर दीजिए। द नियोलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ वर मोर एडवांस, नियोलिथिक पीपल और मेहरगढ़ वर मोर एडवांस दे प्रोड्यूस। हमें मेहरगढ़ से दोस्तों क्या मिला है, कॉटन एंड वीट मिला है, सुगर कैन एंड जूट मिला है, राइस एंड ग्राउंड नट्स मिले हैं, या नन ऑफ द अबव मिला है, इसका आंसर दे सभी लोग। द नियोलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ वर मोर एडवांस दे प्रोड्यूस कॉटन एंड वीट, सुगर कैन एंड जूट, राइस एंड ग्राउंड नट्स, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर दे सभी लोग जल्दी से, एवरीवन। वंटू ने ए आंसर दिया है, सीमा ने सी दिया है, संपूर्ण सी, राहुल शर्मा ने सी आंसर दिया है, माया सैनी का आंसर ए है, तो काफी कम लोग के आंसर सही आ रहे हैं गाइस, फटाफट से बताओ। एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए सभी के, इतना टाइम नहीं लगाना यार, इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको एक्चुअल एग्जाम में, तो फटाफट से आंसर दो। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है मेरा ए, ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। हमें मेहरगढ़ से क्या मिला है, कॉटन एंड वीट मिला है गाइस, क्या मिला है, कॉटन एंड वीट मिला है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी ए सही है वो 2+ यहां से कर लीजिए गाइस। अब हम देखते हैं दोस्तों हड़प्पा की कुछ मेन साइट्स और वहां से क्या क्या चीजें आपको मिली। सो गाइस आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, उसमें मेन मेन आपकी नियोलिथिक एज की जो मेजर साइट्स है वो आपको मिली हुई है यहाँ पे, है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी साइट है और वहां से क्या क्या मिला है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेहरगढ़ से आपको क्या मिला है दोस्तों, एविडेंस ऑफ हाउसेस मिले, ठीक है। यहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक मिली है, मल्टीपल रूम्स मिले हैं। यहाँ पे क्रॉप्स कैसी मिली है दोस्तों, वीट मिली है, बारले मिली है, कॉटन, यही दोस्तों आंसर था आपका, ठीक है, कि कॉटन कहाँ से मिला है आपको, कॉटन और वीट कहाँ से मिला है दोस्तों, मेहरगढ़ से मिला है। उसके बाद में दोस्तों कश्मीर वैली से, यानी बुरजहाम और बुर्फ कराल से बात करें तो यहाँ पे दोस्तों पिट हाउस में रहते थे लोग,
है ना, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पिट हाउस होते थे, और यहाँ के जो टूल्स हैं वो हड्डी से बने होते थे, बोन से बने होते हैं, कोर्स ग्रेप कंट्री वो यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों बिहार से बात करें तो चिरांग से हमें हड्डी मिली है यानी बोन टूल मिली है, कर्नाटक से हमें मिलेट कल्टीवेशन का एग्जाम्पल मिला है जो हमारी मास्क की पिकली हाल हल्लूर जो साइट है। यूपी की बात करें तो बेलन वैली यहाँ पे आती है गाइस, यहाँ से अलाहाबाद से कल्टीवेशन ऑफ राइस का एग्जाम्पल आपको मिला है। आंध्रा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये साइट्स हैं जहां जहां आपको एविडेंस मिले हैं, है ना। और यहाँ पे दोस्तों बेलन वैली की बात करते हैं तो डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस यहाँ पे आपको पता लगता है ना, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी साइट से मिले हैं। तो ये चीज है गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ से रेगुलर बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे जस्ट सिंपल पूछ लेगा कि मिलेट कल्टीवेशन कहाँ से मिला है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस कर्नाटका में जो साइट्स हैं वहां से आपको मिलेट कल्टीवेशन के एग्जांपल्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो एक बार मेरे को बताओ फटाफट से, क्लियर है सभी को? एवरीवन लेट मी नो कि क्लियर है। क्लियर है तो यार एक बार फटाफट से थम्स अप करके बताओ कि सर क्लियर है, और एवरीवन वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दे फटाफट से। के बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड की साइट कौन सी है बताओ, आहार है, गिलुंद है, हसनपुर है, या ऑल ऑफ द अबव है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, आहार है, गिलुंद है, हसनपुर है, या ऑल ऑफ द अबव है बताओ। एवरीवन इसका आंसर दे सभी लोग जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, आहार, गिलुन, हसनपुर या ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले आंसर आया है यहां पे देखते हैं माया सैनिका, वन टू ने भी डी दिया है, सुमित्रा डी, अफरीन डी, राहुल शर्मा ने ए दिया है, मैनुल हसन डी दे रहे हैं, राहुल शर्मा तुक्का तुक्का मत मारो यार राहुल, है ना, बिल्कुल ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तुक्का मारो तो थोड़ा सोच समझ के मारो। यहाँ पे देखो आंसर तो गाइज इसका डी है, डी इज द करेक्ट आंसर, और माया ने सबसे पहले आंसर दिया था गाइज, तो ग्रेट कीप इट अप माया। सो अब जब चालकोलिथिक पीरियड की बात करते हैं गाइज, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी इसका सिक्वेंस क्या होता है, पैलियोलिथिक आता है सबसे पहले, पैलियोलिथिक, उसके बाद में मीजोलिथिक की बात करें तो दोस्तों उसके बाद बात आती है नियोलिथिक की, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमारा आता है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक फिर अब पूछा है कि चालकोलिथिक की मेन मेन साइट कौन कौन सी है दोस्तों, तो सारी की सारी है। देखो आहार भी है, ये साउदर्न राजस्थान की दोनों के दोनों साइड कहाँ की है दोस्तों, राजस्थान की, और ये जो हसनपुर है ये भी दोस्तों इसी की साइड से, और ये भी आपको याद रखना है। तो आपको पहले ही चीज में आपको मिल गया कि आहार की दो साइड है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, यहाँ पे आपको स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स मिले हैं, कॉपर टोल्स मिले हैं, है ना, ईस्टर्न इंडिया में आपको क्या मिला है, चिरांद में आपको फिश हुक्स मिले हैं यहाँ पे, यानी आपको ये पता लगता है कि चालकोलिथिक पीरियड क्या करते हैं, फिशिंग भी किया करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा, कायथा, ईरान, है ना, ये सारी साइट्स हैं, है ना। उसके बाद में वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो जोरवे, नवासा, दैमाबाद, चंदोली, इमानगांव, नासिक, नाबदोली, ये मेन साइट्स हैं चालकोलिथिक पीरियड की। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनको भी प्लीज आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस। तो आहार, गिलुंद, चिरांद, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदानपुर, मालवा, कायथा, ईरान, जोरवे, नवासा, दैमाबाद, चंदोली, इमामगांव, नासिक, नवदोली, ये सारी की सारी साइट है मेरी चालकोलिथिक साइट है, इनको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को भी। क्लियर आपको इतना? एवरीवन बताओ फटाफट से थम्स अप करके कि क्लियर है सर। उसके बाद गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट पे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। द नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ अर्ली मैन हैव बीन अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताइए कि विच वन इज रॉन्गली नंबर्ड। ठीक है, बताओ यार फटाफट से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। द नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ अर्ली मैन हैव बीन अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसका आंसर बताइए आप। बताओ यार फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए हमको। सो गाइज, इसका जो आंसर होगा वो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो, ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। और गाइज, इसका आंसर मैं बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे ये आता है लूसी, है ना, ये वाला मैन आता है, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में थोड़ा सा ये वाला आएगा, उसके बाद में पिल्टाउन मैन आएगा, उसके बाद में पैकिंग मैन आएगा आपका, और उसके बाद में बात करें तो गाइज आपका नियन देसाल मैन आएगा, उसके बाद में न्यू ग्यूएना मैन आएगा, उसके बाद में क्रोमा गांव मैन आएगा, और उसके बाद में आपका मॉडर्न मैन आता है। बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी लोग, एवरीवन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बस आपको यही याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन फर्दर भी पूछे जा सकते हैं गाइज, है ना, तो इसको याद रखना, आपको भूलना नहीं है किसी को भी, एवरीवन, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बेसिकली इसमें थोड़ा सा आपको एक मतलब जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। तो जस्ट डायरेक्ट इसका आंसर देखिए आप, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ डोलमेंस किसको बोलते हैं, डोलमेंस क्या है, व्हाट आर डोलमेंस। ए ऑप्शन है दोस्तों अनदर नेम फॉर द माइक्रोलिथिक टॉम्स, अ टूल यूज बाय द नियोलिथिक मैन, अनदर नेम फॉर मेगालिथिक टॉम, द ह्यूमन रेस टू विच द द्रविडियन बिलोंग्स। बताइए इसका आंसर, व्हाट आर डोलमेंस, अनदर नेम फॉर माइक्रोलिथिक टॉम्स, अ टूल यूज बाय नियोलिथिक मैन, अनदर नेम फॉर मेगालिथिक टॉम्स, द ह्यूमन रेस टू विच द्रविडियन बिलोंग। बताओ इसका आंसर एवरीवन, ओनली 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें इसका सभी। व्हाट आर डोलमेंस, डोलमेंस क्या होते हैं गाइस, बताओ। अनदर नेम फॉर माइक्रोलिथिक टॉम्स, अ टूल यूज्ड बाय नियोलिथिक मैन, अनदर नेम फॉर मेगालिथिक टॉम्स, द ह्यूमन रेस टू विच द द्रविडियन बिलोंग्स। तो लेट्स सी, सचिन ने ए आंसर दिया है, अफरीन ने भी ए दिया है, ए और डी की लड़ाई है यहां पे। लेट्स सी कि किसका आंसर सही है गाइस, फटाफट से आंसर दे दो आप सभी लोग। सो गाइस बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, इसका आंसर जो है वो है ए, ए इज द करेक्ट आंसर, अनदर नेम फॉर द माइक्रोलिथिक टॉम। डोलमेंस क्या होते हैं गाइस, ये माइक्रोलिथिक टॉम होते हैं, ये वाले दो, इनको क्या बोलते हैं, डोलमेंस बोलते हैं। ये कहां पे मिलते हैं गाइस, ये साउथर्न इंडिया में आपको मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, एवरीवन गाइस, है ना। ये देखो आप देख सकते हो 2 और 3 वर्टिकल मेगालिथ से बने होते हैं, बेसिकली ये डोलमेन टॉम ही इसको बोलते हैं, है ना। तो डोलमेन टॉम है दोस्तों अनदर नेम ऑफ माइक्रोलिथिक टॉम, ये है गाइस माइक्रोलिथिक टॉम है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम से, माइक्रोलिथिक टॉम, क्लियर आप सभी को ये वाली बात कि माइक्रोलिथिक टॉम क्या है दोस्तों, डोलमेन को बोलते हैं माइक्रोलिथिक टॉम, और आपके सामने है गाइस ये है माइक्रोलिथिक टॉम, है ना, क्लियर है। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 3000 से 4000 BC के बीच में, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को भी। जिसका भी सी है गाइस 2+ आप कर सकते हैं, जिसका भी सी आंसर है 2+ कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन द नॉर्थ द स्टोन एज वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाई आयरन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज या गोल्डन एज। बताइए, इन द नॉर्थ पाषाण युग के तुरंत बाद क्या आया था गाइस, बताओ इसका आंसर दे सभी लोग यार फटाफट से।
पाषाण युग के बाद में दोस्तों क्या आता है, एवरीवन इन द नॉर्थ द स्टोन एज वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाई आयरन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज या गोल्ड एज, बताओ इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, एवरीवन जल्दी से। तो माया ने दिया है सी आंसर, लेट्स सी कि किसका आंसर सही है गाइस। और दीप्ति माई ने ए आंसर दिया है, सचिन ने बी, शांति गोपाल जाना ने बी आंसर दिया है। सभी आंसर दे यार फटाफट से एवरीवन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सी, सीमा मीना ने सी दिया है, जयंती ने सी दिया है, तो लेट्स सी गाइस आंसर तो इसका है बी, बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे बी करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसके बाद में दोस्तों कोपर एज आती है, और कोपर का मतलब क्या होता है, चालको, चालको मतलब क्या होता है, कोपर, तो यहाँ पे इसको कोपर एज भी हम बोलते हैं, तो ये बेसिकली कोपर एज ही होती है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी जिसका भी सही है आप 2 प्लस यहां से कर सकते हैं गाइस, बी जिसका भी सही है 2 प्लस कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन हुआ है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ये पीरियड्स में, तो पैलियोलिथिक की बात की थी, पैलियोलिथिक के बाद में मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद में नियोलिथिक, नियोलिथिक के बाद में चालकोलिथिक, और चालकोलिथिक के बाद में दोस्तों ओरियन एज आती है, और चालकोलिथिक को हम क्या बोलते हैं, कोपर एज भी हम बोलते हैं गाइस। तो जिसका भी सही है बी 2 प्लस आप कर सकते हैं, और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों ये पीरियडाइजेशन कैसे हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इसको कॉपर एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर एज अ मेटल सबसे ज्यादा यूज हुआ, कॉपर मेटल सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चालकोलिथिक पीरियड भी इसको बोलते हैं। तो जिसका भी सही है 2 प्लस आप कर जाइए, है ना। और उसके बाद में गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द इंस्ट्रूमेंट यूज बाई न्यूलिथिक कल्चर वर्क, जो नवपाषाण क्रांति थी दोस्तों, नवपाषाण जो संस्कृति थी उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, राउंडेड होते थे, फ्लैट होते थे, शार्प होते थे या ग्रूव्ड होते थे, एवरीवन इसका आंसर दे सभी लोग। द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द नियोलिथिक कल्चर वर राउंडेड होते थे, फ्लैट होते थे, शार्प होते थे या ग्रूव्ड होते थे। तो रितु मणि का सबसे पहले आंसर आया है सी, 1-2 बी दे रहे हैं, 1-2 जी बी कैसे हो सकता है, फ्लैट कैसे हो सकती है, थोड़ा सा सोचो फिर आंसर दो। दीप्ति माय सिटी सी आंसर दे रही है, लेट्स सी कि किसका सही है गाइस, फटाफट से आंसर दे सभी लोग। शिल्पी दे सी आंसर है आपका, सुमित्रा सी, जयंती सी, माया सैनी ने भी सी दिया है, रश्मि सी। गाइस फटाफट से यार एक बार वीडियो को शेयर करें, सभी लोग आज बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा दें, उसके बाद में गाइस मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, सी बिल्कुल सही आंसर है यार, जिसने भी सी दिया है 2 प्लस अपने कर सकता है। देखो यार इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं, जो आपकी जो टूल्स हैं वो कैसे होती जाती हैं, वो आपकी शार्पन होती जाती हैं। तो जो टूल्स मिली है वो हमको ऐसे मिली है, ये दोस्तों क्या है, न्यूलिथिक टूल, क्या है, न्यूलिथिक टूल्स है, तो इनको याद रखो यार, भूलना नहीं है। ये आप जो टूल देख रहे हो कितनी कितनी शार्प टूल आप देख रहे हैं ना, कितनी शार्पन है ये अपने आप में। तो गाइज यही खासियत थी न्यूलिथिक टूल्स की, ओके गाइज, तो जिसका भी सही है 2 प्लस आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द फाउंडेशन ऑफ द फोर्टिफिकेशन वॉल एंड हाउसेस मेड ऑफ स्टोन ऑफ द प्रोटो हरपन कल्चर वर फाउंड इन पंजाब एक्ट, बताओ फाउंडेशन ऑफ द फोर्टिफिकेशन वॉल एंड हाउसेस मेड ऑफ स्टोन ऑफ प्रोटो हरपन कल्चर वर फाउंड इन पंजाब एक्ट, कालीबंगा में मिले हैं, लोथल में मिले हैं,
कोट दिजी में मिले हैं या अमरी में मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। 10 सेकंड आपके पास है और 10 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है, जल्दी से एवरीवन। द फाउंडेशन ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल एंड हाउसेज मेड ऑफ स्टोन ऑफ प्रोटो हरप्पन कल्चर वर फाउंड इन पंजाब एट कालीबंगन, लोथल, कोट दिजी या अमरी। माया ने ए आंसर दिया है, शिल्पी ने सी दिया है, जयंती ने सी दिया है। सो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से दो इसका आंसर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो इसका आप आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। द फाउंडेशन ऑफ द फोर्टिफिकेशन वॉल एंड हाउसेज मेड ऑफ स्टोन ऑफ प्रोटो हरप्पन कल्चर वॉज फाउंड इन पंजाब एट कालीबंगन, लोथल, कोट दिजी या अमरी। शिल्पी दे सी है, राहुल शर्मा सी, शांति गोपाल, सुमित्रा ने सी दिया है, रश्मि बी है, सुमन कदवासरा ने इसी आंसर दिया है। सो गाइस, इसका जो आंसर है वो है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका जो कोट दिजी है, कोट दिजी में दोस्तों आपको ये सारी चीजें मिली है, फोर्टिफिकेशन वॉल एंड हाउसेज ऑफ स्टोन, है ना, प्रोटो हरप्पन कल्चर के यहाँ पे आपको हाउसेज मिले हैं, तो कोट दिजी में मिले हैं। जिसका भी सी सही है गाइस, 2+ आप कर लीजिए, जिसका भी सी आंसर है 2+ यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये सी आंसर क्यों है गाइस, ठीक है। तो आप इसको देखो, कोट दिजी को, है ना, तो यहाँ पे आपको जो हाउसेज मिले हैं दोस्तों, वो एक स्टोन से जो बिल्ड अप हुआ है उनका, स्टोन ऑफ प्रोटो हरप्पन कल्चर से हाउसेज आपको मिले हैं, ये वाली चीजें। तो कोट दिजी में दोस्तों ये मिला है, तो क्वेश्चन भी आपको यही था कि क्या पूछा है इसने, प्रोटो हरप्पन वाला, तो प्रोटो हरप्पन टाउन्स ये आपके कोट दिजी में मिले हैं, फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी ये आपका जो इनिशियल पीरियड होता है, आपका हड़प्पा जो सिविलाइजेशन होती है गाइस, आईवीसी का जो इनिशियल फेज होता है, उसके अवशेष आपको यहीं से मिलते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखिएगा गाइस, भूलना नहीं है किसी को भी गाइस, क्लियर आप सभी को। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ कि जो भी हड़प्पा की मेन मेन साइट्स हैं, किसके द्वारा वो एक्सकवेटेड की गई है, लोकेशन क्या है और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा की, तो दयाराम सानी ने 1921 में इसका एक्सकवेशन किया था, और दोस्तों ये रावी नदी के किनारे है, और मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, यहाँ पे है दोस्तों, और यहाँ पे सैंड स्टोन स्टेच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी मिला है, ग्रेनरीज मिले हैं, ब्लॉक कार्ट्स यहाँ पे मिले हैं। मोहनजोदारो की बात करें, इसका मतलब होता है दोस्तों माउंट ऑफ डेथ, यानी मर्तकों का टीला। राखलदास बैनर्जी ने 1922 में इसका फाउंडेशन किया था, यानी इसका एक्सकवेशन किया था, और दोस्तों ये इंडस रिवर में लखना डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान में, यहीं पे ये सिचुएटेड है। उसके बाद में दोस्तों इस पे यहाँ पे क्या क्या मिला है, एक वृद्ध स्नानागार मिला है, ग्रैनरी मिली है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, एक नर्तका की मूर्ति मिली है, सील ऑफ पशुपति महादेवा की भी यहाँ पे मिली है, स्टेटाइट स्टेचू मिला है, पीस ऑफ वुमन क्लोथ यहाँ पे मिला है। उसके बाद में दोस्तों सुतका गैंडोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेन इन 1929 ये इसने ढूंढा था स्टेन ने, और यहाँ पे दोस्तों साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहां पे ये मिला है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुतका गैंडोर एक ट्रेड पॉइंट हुआ करता था किसके किसके बीच में, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। चहुंदरों की बात करते हैं दोस्तों, ये सिंध और इंडस रिवर के किनारे मिला है, एनजी मजूमदार ने इसका किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चहुंदरों से आपको बीड मेकिंग सोप भी मिली है, यानी बीड मेकिंग फैक्ट्री के आपके अवशेष मिलते हैं, बीड फैक्ट्री। उसके बाद में फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, इससे पता लगता है कि यहाँ पे डॉग्स भी हुआ करते थे। अमरी में दोस्तों एमजी मजूमदार ने अमरी का एक्सकवेशन किया है, और ये भी इंडस वैली रिवर के किनारे है। एंटीलोप एविडेंस यहाँ पे मिले हैं आपको। कालीबंगन की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1953 में इसका फाउंडेशन किया है, और राजस्थान में दोस्तों ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। हनुमानगढ़ से दोस्तों, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये है, तो कोई है किसी ने देखा है दोस्तों कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, कोई है अभी, कोई स्टूडेंट है जिसने दोस्तों कालीबंगन साइट देखी हो, एनीवन, कोई हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है जिसने कालीबंगन की साइट देखी हो गाइस, फटाफट से बता दो।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, अगर आपने विजुअली देखी हो तो कभी नहीं भूल पाओगे इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी चीजें मिली है। क्या क्या मिला है गाइज, यहाँ पे आपको फायर अल्टार मिले हैं, कैमल बोन्स यहाँ पे आपको मिली है, और वुडन फ्लो यहाँ पे आपको मिले हैं दोस्तों। तो उसके आगे चलते हैं दोस्तों, लोथल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और हमारे यहाँ पे माया सैनी जी हैं जो हनुमानगढ़ से हैं। तो माया आई होप आपने देखा होगा ये, है ना, तो देखा नहीं तो देख के आइए, फायर अल्टार, कैमल्स, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, है ना, ये एविडेंस वहां पे मिले हैं गाइस, ठीक है। तो आर राव ने 1953 में गाइस गुजरात के जो भोग्या रिवर है ऑन द गल्फ ऑफ कम्बे यहाँ पे ये मिला है लोथल। एंड गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली है आपकी, ये इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिले हैं, डोकयार्ड मिले हैं, राइस हस्क मिले हैं, फायरल टार्स मिले हैं, चेस प्लेइंग मिला है। तो आप सोचो कि यहाँ पे लोग चेस भी खेलते थे, शतरंज के भी प्लेयर थे वहां पे। फुलकोतड़ा में दोस्तों जेपी जोशी ने गुजरात में, और बोन ऑफ फोर्सेस यहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि बोन ऑफ फोर्सेस के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बोन ऑफ फोर्सेस आपको मिले हैं फुलकोतड़ा में, ठीक है। तो माया सैनी बता रहे हैं कि अमरी कहाँ पे है, तो अमरी दोस्तों इंडस रिवर के किनारे पे है, तो पाकिस्तान के हैं, सिंध प्रांत में है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बनावली की बात करते हैं दोस्तों, आरएस बिस ने हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, बनावली कहां पे गाइस, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यहां पे बीड फैक्ट्री बारले के एविडेंस आपको मिले हैं। उसके बाद में धोला विराय की बात करें तो दोस्तों ये आरएस बिस ने ही इसका फाउंडेशन एक्सकावेशन किया है, और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आपको मिलती है, यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिलता है, वाटर रिजर्वोयर भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये एक मैप है, इसको आराम से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सारी की सारी साइट्स इंक्लूड की गई हैं, जो भी आपकी इंडस सिविलाइजेशन की साइट है, है ना, अदर साइट्स हैं, एग्रीकल्चर साइट्स हैं, मॉडर्न साइट्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अर्ली एग्रीकल्चर साइट, तो दोस्तों ये है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ पे आप टिक कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर के आपके एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा यार, फटाफट से एक बार मेरे को बता दो सभी लोग कि क्लियर है या नहीं है। और अंकुर जी नमस्ते, आप कर रहे हैं आप, है ना, काफी लेट हो चुका है ना, नमस्ते अंकुर जी, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप आपके लिए, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपको ये काम में आने वाला है गाइस। ओके, क्लियर है सभी को, एवरीवन लेट मी नो क्लियर है तो फटाफट से एक बार थम्सअप करके बता दें सभी लोग कि सर क्लियर है, जल्दी से एवरीवन। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फटाफट से एवरीवन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थम्सअप करके मेरे को बता दें कि सर क्लियर है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, इससे क्या होगा जो भी रेगुलर क्लासेस होती है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। आज अपनी क्लास है 10 बजे, 10 PM पे अपनी क्लास है, तो उसको आप अटेंड कीजिए, जिसमें हम MCQ करने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स यानी नीति आयोग से रिलेटेड हम MCQ यहाँ पे करने वाले हैं गाइस। सो उसके बाद में गाइस अगर आप मेरा प्लस कोड ज्वाइन करना चाहते हैं देन यूज माय रेफरल कोड SHIV10, क्योंकि यहाँ से मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट। एंड गाइस इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपका पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 1 और पेपर 2 की आपकी तैयारी हो जाएगी इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन गाइस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को। उसके बाद में गाइज अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, NetJRFWithShiv, ये आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, यहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, और बाकी चीज हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आपके आते रहे गाइज। ओके, तो वंस अगेन शेयर प्लीज, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे फटाफट से शेयर कर दीजिए गाइस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही गाइस।